राम राम किसान मित्रों, मैं डॉक्टर सतपाल, विलेज कैलनिया, जिला सिरसा, हरियाणा से। लगातार आपको जैविक खेती, जहर मुक्त खेती के बारे में वीडियो शेयर करता रहता हूँ। और आज मैं दिखा रहा हूँ आपको जैविक गन्ना। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सतपाल डॉक्टर के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9813828856। और जितना भी कोशिश हो सके जैविक खेती, जहर मुक्त खेती करने की कोशिश किया करें। तो ये जो गन्ना आप पीछे देख रहे हैं वो बिल्कुल एकदम नेचुरली जैविक गन्ना है। आपको पीछे भी मैं इसके बारे में वीडियो शेयर किया भी था, दिखाया था वीडियो। इसमें कुछ भी नहीं, कोई पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, कोई DAP, यूरिया, कोई किसी तरह का कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया। ये बिल्कुल एकदम नेचुरली गन्ना है, जिसमें खाली डीकम्पोजर, माइक्रोन्यूट्रंस, जिब्रेलिक एसिड, बिल्कुल सारे जैविक गाय के उपले से जो तैयार होता है जिब्रेलिक एसिड, और डीकम्पोजर गाय के पेशाब और गोबर के एंजाइम होते हैं, जो कि डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी गाज़ियाबाद, उनकी देन है। तो कोशिश करें कि नेचुरली खेती करें जितना भी हो सके। आज के टाइम में अपन जहर खा खा के देखो क्या हालात हो रहे हैं। 80% मौतें वही होती है जो आज के टाइम में, जो बिल्कुल नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग इतने नहीं मर रहे जितने छोटी उम्र में मौतें होती जा रही हैं। पर फिर भी इंसान देख लो पैसे की भागा दौड़ में इतना ज़्यादा खोया हुआ है कि खेतों में जहर डाल डाल के ज़मीनों के क्या हालात कर दिए। ज़मीन भी वही चीज़ें चाहती है जो नेचुरली जितना कुछ अपने को मिलेगा उतने ही अपन बढ़िया रहेंगे, और नेचुरली जितना पौधे को मिलेगा उतना पौधा भी बढ़िया पनपेगा। अब देखो ये गन्ना कितना शानदार खड़ा है। मेरे एरिया में पिछले साल जो गन्ना हुआ था सबसे बेटर गन्ना मेरे हिसाब से, जो भी थोड़े थोड़ा गन्ना लगाते हैं इस एरिया में लोग, और आपा भी एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखा था, सबसे शानदार गन्ना अपना हुआ था। देखो उसमें सारा कुदरती चीज़ों का प्रयोग किया गया था, और अब की बार वही गन्ना फुटाप जो है उससे भी शानदार है। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश हुई नहीं, अब की बार फसलें कोई खास नहीं है एरियों में, सभी जगह आप देख ही रहे हैं, उसके बावजूद अपना गन्ना जो खड़ा है वो देखो कितना शानदार खड़ा है, अच्छी हाइट ली हुआ है। अभी गन्ने का बहुत लंबा टाइम पड़ा है, उसके बावजूद भी अभी भी गन्ना अपना शानदार खड़ा है। देखो जितना जहर फसलों में डालेंगे वही अपने को खाने को मिल रहा है, किसके लिए आप कमा रहे हैं, क्यों इतने भागा दौड़ कर रहे हैं। जहर डाल के आप फसल तो ज़रूर ज़्यादा कर लेते होंगे, पर मिलता क्या है, बीमारियाँ हर घर में ऐसी भयानक बीमारियों से ग्रस्त, हार्ट के, डायबिटीज़ के, और कोई कैंसर, कोई ब्लड शुगर, कोई और पता नहीं कितने जो लाइलाज के करीब बीमारियां जो होती है। देखो दवाइयां जितनी खेतों में डाल रहे हैं उतनी आप खुद खाते जा रहे हैं। तो नेचुरली खेती करें, देखो आप कमाई तो ज़रूर कर रहे होंगे जिन दूसरी खेती जो करके, तो उतना ज़्यादा बीमारियों में भी तो पैसा अपना लग रहा है। तो कोशिश करें कि नेचुरली खेती जितनी हो सके करने की, खेत में जो केमिकल वाली जो फसलें होती है वो डाल डाल के तैयार होती है, उसके बावजूद बाद में जो वही चीज़ें बाज़ार में पहुंचती है और वही चीज़ें अपने को खाने को मिलती है, उनमें भी तो बहुत कुछ, जैसे हलवाई के पास अनाज जाता है, अनाज के अंदर भी तो बहुत जहर डाला होता है। कभी आप सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में, किसान का डाला हो उसके बाद में उसने इतना कुछ डाल दिया तो खाने को क्या रह गया। आपा अपना ही इंसान है, जो इंसान को ही आपा ख़त्म करते जा रहे हैं। कोशिश कर लें नेचुरली चीज़ों को, नेचुरली चीज़ें हो सकता है कुछ महंगी मिले दूसरी चीज़ों से, पर होती हो कम से कम जहर मुक्त है, उनमें कुछ है तो सही खाने के लिए। छोटे से छोटा बच्चा देख लो, तेजाब की दिक्कत रहती है, किसी को कहीं कैंसर की गांठ है, कोई और है,
क्या उन अपने ही पीढ़ियों को ख़त्म करना है। तो जहर से जितना बच के चलेंगे मेरे भाई उतने बढ़िया रहेंगे। तो बिना जहर के नेचुरली खेती करें जितना भी हो सके। तो आज मैं गन्ना जो दिखा रहा हूँ इसमें कोई पेस्टिसाइड फंगिसाइड डीपी यूरिया कुछ भी नहीं डाला गया, उसके बावजूद देख लो आप कितना शानदार खड़ा है। प्रकृति उन चीज़ों को मांगती है जो नेचुरली हो। तो कोशिश करें जहर मुक्त खेती करने की। तो आज का जो वीडियो था मेरा वैसे गन्ने पे आधारित था, पर कोशिश हर बंदे को हर वीडियो में यही कोशिश करता हूँ हर बंदे को समझाने की, आपा जितना उसके मिल के चलें जो जहर मुक्त। देखो जहर डाल डाल के अगर सारा कुछ तैयार करेंगे तो अपने को जहर के सिवा और क्या मिल रहा है कि किसी की जुबान में देख लो जहर है। पहले जितना प्रेम प्यार है किसी में, तो जहर जहर खा खा के आप कल्पना कर सकते हैं क्या बिना जहर की हर बंदे में गुस्सा है जहर है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही मन होएगा अपना। तो कोशिश करें जहर मुक्त खेती करने की और जहर मुक्त खाने की। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर किया करें। देखो ऊट पटांग वीडियो होते हैं उनको तो आप तुरंत शेयर कर देते हैं। तो सतपाल डॉक्टर के नाम से यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें सब्सक्राइब करें ताकि हर बंदे तक अपनी इन चीज़ों के बारे में जानकारियाँ पहुँचे, ताकि मानवता की रक्षा के लिए आप भी एक अहम योगदान कर सकें। अच्छा दोस्तों, जय जवान जय किसान जय।